Assalamu alaikum, 7th class. I hope you all are fine. Yesterday we started your chapter number 11, circuit and electric current, in which we complete the question number 5. Today we are moving toward the question number 6. Write a note on resistance, electric power and MCB. Aapke paas ye teen questions hai. Aapne in teeno ka answer likhna hai. First one is the resistance. Resistance is the hindrance to flow the current. Resistance किसी चीज़ के flow को रोकने को कहते हैं. इसमें current के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो resistance is the hindrance to flow of current. तो current के flow को रोकने के लिए जो इस चीज़ को use किया जाता है, उसको हम resistance कहते हैं. During its journey through an electric circuit, उसका electric circuit के गुजरने के दरमियान, the current collides countless time with an atom. तो जो current flow कर रहा होता है, वो countless time, एक लातादात तौर पर एक atom के साथ टकराता है. Within the conductor, conductor जिस wire के अंदर, conductor हम उसको कहते हैं, जिसकी चीज के अंदर से electricity pass हो रही होती है, तो हम wire से electricity को pass करते हैं, तो यहाँ पे conductor wire हो गई. This collision result in a hindrance to the movement of the current. तो जो ये collision होती है, जो ये टकराव होता है, collision का मतलब है टकराना, तो ये जो टकराव होता है, ये इसको इसकी वजह से resistance cause होती है, क्योंकि ये current को flow करने से रोकता है. The unit of the resistance is ohm. Resistance के unit को हम ohm कहते हैं. The resistance of the wire depend upon the length of the wire. तो जो wire के अंदर resistance होती है, वो length wire की length पे depend करती है. जितनी ज़्यादा length होगी, उतनी ज़्यादा hindrance होगी. And the thickness of the wire. अगर wire की thickness भी ज़्यादा होगी, अगर वो मोटी होगी, तो भी उसमें resistance ज़्यादा होगी. नेक्स्ट आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक पावर. ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज फैन, ब्लेंडर, कंप्यूटर एक्सेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, ये सब अब इलेक्ट्रिकल करंट को चेंज करते हैं. जैसे अवन है, अवन इलेक्ट्रिकल करंट को हीट में चेंज करता है. फैन मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, ताकि हम वो जिससे पंखा आगे मूव करता है. ये सब किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी को चेंज करते हैं. इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिकल पावर इसको कहते हैं कि जिस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. इट्स यूनिट इज वाट. तो इसका यूनिट जो है वो वाट है. नेक्स्ट आप लोगों के पास मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड एमसीबी. एन एमसीबी इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच. ये एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है. डेट वर्क लाइक अ फ्यूज, जो एज ए फ्यूज़ की तरह, बिल्कुल जैसे फ्यूज़ होता है वैसे काम करता है. बट इट डज़ नॉट ब्लो आउट, लेकिन ये खराब नहीं होता, ये टूटता नहीं. इट जस्ट ब्रेक द सर्किट बाई ट्रिपिंग वेन अ करंट मोर देन इट्स रेटिंग पास थ्रू इट. तो ये जस्ट ट्रिप कर जाता है जब इसके अंदर से ज़्यादा करंट पास आउट हो रहा है. जैसे पुराने लोग घरों में जैसे वायरिंग हुआ करती थी, तो वहाँ पे फ्यूज़ यूज़ किया जाता था. फ्यूज़ के अंदर तार लगाई जाती थी. जैसे ही किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कहाँ पे करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो वो फ्यूज़ उड़ जाता था, ख़राब हो जाता था, जहाँ पे हमें जाके नया फ्यूज़ लगाना पड़ता था. लेकिन आजकल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी जिसको भी हम कहते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा हो या यहाँ पर करंट फ्लो ज़्यादा हो रहा हो, तो जिसकी उसकी वजह से जो ब्रेकर हैं वो जस्ट ट्रिप करते हैं और हम उसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं. ये एक सेफ़ मेथड है. So this is your last question of this chapter. Allah Hafiz.